स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर बाइक गुरु। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। मेरे मैकेनिक भाइयों, अगर बाइक में कंप्रेसर कम हो तो हम लोग मीटर के माध्यम से किस तरह से पहचाने जो हम लोगों का कंप्रेसर कम आ रहा है। तो कंप्रेसर कम आने का कारण होता है पिस्टन रिंग बाइक में और वाल्व, और हेड गैस्केट अगर कट जाए तो भी कारण होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाइक में एक्चुअली कितना हम लोगों का मैक्सिमम और मिनिमम जैसे कि पॉइंट होना चाहिए बाइक का कंप्रेसर, तब बाइक ठीक चलेगा। तो मैकेनिक भाइयों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले हम आप बताते हैं जो काफ़ी सारे मैकेनिक भाई है किस तरह से हम लोग जैसे कि ये कंप्रेसर मैशिंग बनाए। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से आप लोग लोकल लड़के किस तरह से कंप्रेसर मैशिंग बनाए, क्योंकि इसका कीमत ज़्यादा है, 5,000 से 6,000 रुपये कीमत है, और जिस मैकेनिक के पास बजट कम हो वो कैसे खरीदे। तो चलो इस वीडियो में हम आपको बताएं किस तरह से बनाए और कम खर्चे में आपका बन जाएगा कंप्रेसर मैशिंग चेक करने के लिए। तो चलो हम बताते हैं किस तरह से मैशिंग बनाए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो स्पार्क प्लग दिख रहा है ये यामा बाइक के लिए सॉकेट हम बनाएंगे वाल्व पिन। ये एकदम वाल्व पिन है और इसकी मदद से हम लोग कंप्रेसर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे तोड़ेंगे, इसके अंदर जो चीना मट्टिया होता है इसको निकाल डालेंगे और इसका जो सक्शन है ये क्लियर हो जाएगा। तो हथौड़े से बारी करेंगे और ये देखो ढीला हो गया है। अब इसे हम तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद ही इसके अंदर जितना भी सक्शन होता है और क्लियर हो जाएगा, और हम लोग आसानी से इसे वाल्व पिन बना सकते हैं, जैसे कि वाल्व बना सकते हैं। तो एक सिर्फ मुझे वाल्व बनाना है जिसमें एयर आएगा लेकिन एयर को उल्टा नहीं ठेलेगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग डालेंगे वाल्व पिन। तो चलो ये निकल गया है, देखो क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग किस तरह से इसे जैसे कि साफ करें और जॉइंट करें, तो ये हथौड़ा से हम थोड़ा सोझा कर लेते हैं। करने के बाद ही हम इसमें नॉजल फिट करेंगे और नॉजल को झलाई करेंगे, क्योंकि झलाई करने से क्या होता है इसमें जो लीकेज नहीं आएगा। तो ये मेरे पास नॉजल है, नॉजल को हम कटेंगे और कट के ये जो चानिया है गोल इसे फेल डालेंगे, ठीक है। फेलने के बाद इसको हम मैशिंग से कट लेते हैं सबसे पहले। तो चलो कटते हैं। तो ये जो मैशिंग है आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसे चलाएंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसे कट के फेल देंगे, ठीक है। बस ये कट जाएगा और हम लोगों का ये नॉजल बन गया है, वाल्व पिन बन गया है। अब सवाल है, इसे थोड़ा हम जैसे कि पॉलिश कर लिया, अब स्पार्क प्लग में भी एक पॉइंट है उसको भी काटेंगे, क्योंकि ख़राब लगता है जब बनाएंगे तो फिनिशिंग करके बनाएंगे। तो देखो इसको भी हम थोड़ा कट लेते हैं। बस ये हमारा कट गया है और इसे थोड़ा पॉलिश कर लेते हैं, क्योंकि प्याज लगाएंगे तो हेड का प्याज ख़राब ना हो। तो चलो मैशिंग को बंद करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से हम लोग जॉइंट करें। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो सॉकेट बन चुकी है, अब हम इसको वाल्व पिन बनाना है, क्योंकि जब इंजन में किक मारेंगे तो एयर आएगा तो एयर वापस नहीं जाएगा। अगर वाल्व पिन नहीं डालेंगे तो क्या होगा, जो कंप्रेसर हम लोगों का मैशिंग में मीटर में नहीं बताएगा कितना इसका कंप्रेसर आ रहा है, अप डाउन मारेगा। तो चलो इसे पहले सेटिंग करते हैं वाल्व पिन को। तो वाल्व पिन को इस तरह से लगा दिए और इसके अंदर वाल्व पिन है, वाल्व पिन को खोल के देख लेता हूँ ये आ रहा है कि नहीं, बाद में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं अगर ख़राब हो जाए। तो ये आसानी से आ रहा है और जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा छेद बिल्कुल बड़ा है, इसमें वाल्व पिन आया जाया करेगा, बाद में हम इसे लगा सकते हैं, खोल सकते हैं। अब सवाल है, इसे हम पॉइंट करेंगे तो किस तरह से हम पॉइंट करता है वो आपको बताते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक गलती कर देता है, इसको हम लोग रांगा झलाई करेंगे। देखो हमारे पास इसे पेस्ट है, रांगा झलाई करने के लिए पेस्ट लगा रहा हूँ, अच्छी तरह से पकड़ेगा और ये 100% काम करेगा। लेकिन आप लोगों को आयरन जो होता है उसको आप हेवी वाट का लेना पड़ेगा, 25 वाट का आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा हेवी वाट का ज़रूरत है। ये मेरे पास रांगा है और इसे पहले चारों तरफ से रोल करके लगा देता हूँ, लगाने के बाद ही हम इसको कट के फेल देंगे और उसी रांगा को हमने गला के उसके अंदर फिक्स कर देंगे और ये लॉक हो जाएगा और कंप्रेसर इससे लीक नहीं होगा। तो चलो इसे हम चारों तरफ से भर देता हूँ और आयरन की मदद से, ये जो हमारे पास आयरन है ना, बहुत ताकतवर आयरन है, इसे हम
बैरिंग भी ढीला हो जाता है तो बैरिंग में भी रंगा लगाता हूँ, अगर टैंकी भी छोटा फूटा हो जाता है छोटा मोटा तो इसी से हम टैंकी भी छलाई कर लेता हूँ। तो इस तरह का आयरन लगेगा, इसका आयरन का कीमत 400 रुपये कीमत है मेरे मैकेनिक भाइयों, ये हर काम में लग जाता है हम लोग का, मैकेनिक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलो इसे आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके चारों तरफ गलाते हैं और बैठाते हैं। इसके अंदर जब रंगा घुस जाएगा तो आसानी से दोनों पार्ट को हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं और इसमें लीकेज भी नहीं करेगा 100% मेरी तरफ से। तो चलो आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग इसे चारों तरफ ज्वाइंट करते हैं, क्योंकि ज्वाइंट इसमें हम लोग अगर एक भी लीक रख दें तो कंप्रेसर हम लोगों का चेकअप नहीं होगा। तो हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके इसको चारों तरफ देखना है, कहीं इसका फूटा है या कहीं लीक कर रहा है। लीक थोड़ा सा भी हम लोगों को रखना नहीं है, वरना कंप्रेसर यहीं से लीक होगा और हम लोगों का मीटर में हम लोगों को नहीं बताएगा जो कितना में हम लोगों का कंप्रेसर इस इंजन का पा रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग पॉलिश, तो चलो इसे हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं और सफाई वगैरह कर लेते हैं। करने के बाद आप लोगों को बताऊँगा और 100% करके दिखाऊँगा जो किस तरह से हम लोग कंप्रेसर चेकअप करें मीटर की मदद से। इस बाइक में मैक्सिमम और मिनिमम आपको बता देता हूँ कंप्रेसर कितना आएगा, जैसे कि साइड से लेके 80 तक हम लोगों का कंप्रेसर सही इंजन में होता है। और जैसे कि अगर कंप्रेसर लीकेज रहे तो 20, 30, 40, तो अगर 40 रहे तो मैकेनिक भाइयों बाइक के स्टार्ट गिरेगा और उसमें आरपीएम का प्रॉब्लम होगा, बाइक से ताकत नहीं मिलेगा, माइलेज भी नहीं मिलेगा। तो चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया वाल्व, और देखो ये हीरो बाइक के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। और अभी आपको दिखाया यामा बाइक के लिए, तो ये जो हम लोगों का फ्लैग है, फ्लैग को तोड़ के ही हम लोग नोजल बना सकते हैं, वाल्व बना सकते हैं। ये वाल्व अगर हम लोग बनाए तो हर कोई चीज़ आसान हो जाए। तो चलो इस बाइक में हम खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जो किस तरह से हम लोग जैसे कि चेकअप करें। तो इसके अंदर वाल्व पिन है, वाल्व पिन को अच्छी तरह से चेकअप कर लेना, अगर ख़राब रहे तो कांटा हम लोगों का अप डाउन मारेगा। तो मैकेनिक भाइयों ये जो वाल्व पिन है अगर न्यू डाल दीजिए, अगर पुराना हो तो लीकेज करेगा। तो चलो हम इसे डाल देता हूँ, मेरा अच्छा है। तो चलो इसे हम टाइट कर देते हैं और बाइक में लगा के आप लोगों को 100% दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग चेकअप करें। तो चलो प्लग को खोलते हैं और इस नॉजल को फिटिंग करते हैं ताकि हम लोग चेकअप करें जो कंप्रेसर कितना आ रहा है इस यामा बाइक में। तो चलो हम इसे नट को लगाते हैं, टाइट कर देंगे यहाँ इस नट को, फुल टाइट करेंगे, बस फुल टाइट हो चुकी है। बस अब हम पाइप सेटिंग करेंगे। ये पाइप सेटिंग करने के बाद पाइप को अच्छी तरह से आप लोग टाइट कर दीजिए, वरना लीक करने से क्या होता है, कंप्रेसर यहीं से निकल आएगा और मीटर शो नहीं करेगा। तो इस पाइप को हम टाइट कर देते हैं और आप लोगों को चालू करके दिखाते हैं। ये मेरा सेटिंग हो चुकी है, अब बाइक में भी हमने लगा दिया है। बस और नहीं हो रहा है, ठीक है, और नहीं हो रहा है, ये 80 में जाके अटक चुकी है। तो साइड से लेके 80 तक अगर इसका कंप्रेसर बाइक में हम लोगों को मिल रहा है तो इसका मतलब हम लोगों का इंजन एकदम बिल्कुल ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों यहाँ एक रिस्टोर बटन होता है, मेरे पास इस मीटर में नहीं है, लेकिन हम इस यार को खोलेंगे, अगर ये इसको लीक कर देंगे ये आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो गया, ठीक है। तो ये जो मीटर है अगर 80 से लेके साइड तक अगर हम लोगों को कांटा उठ रहा है तो इसका मतलब है इंजन का कंप्रेसर हम लोगों का एकदम बढ़िया क्वालिटी है, ठीक है। अगर जैसे कि कंप्रेसर अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग अगर 80-70 कंप्रेसर नहीं मिल रहा है मेरे मैकेनिक भाइयों, अगर जैसे कि 20 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, 40 मिल रहा है, तो ये जो फिलर गेज की मदद से सबसे पहले आपका जो स्टेप होता है रॉकर को एडजस्ट करो फिलर गेज की मदद से। फिलर गेज की मदद से अगर रॉकर एडजस्ट करेंगे तो आपका कंपनी सेट जैसा रॉकर हो जाएगा और कंप्रेसर भी अच्छा आ जाएगा, क्योंकि बाइक अगर चलते चलते ऑटोमेटिक वाल्व अगर कट जाए तो कंप्रेसर जैसे कि वाल्व अगर कट जाए तो रॉकर ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है और कंप्रेसर घट जाती है, ख़राब हो जाती है, इस कारण से हम लोग पता नहीं चलता है। तो ये जो मीटर बनाने का मेरा मकसद यही है, अगर हम लोग को कंप्रेसर कम हो तो मीटर की मदद से हम लोग
जान सकते और पहचान सकते हैं जो किस तरह से हम लोग कंप्रेसर होना चाहिए और हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग कंप्रेसर अगर नहीं मिल रहा है तो रॉकर एडजस्ट करो, रॉकर एडजस्ट करके भी अगर नहीं मिल रहा है तो वाल्व ग्राइंडिंग करो लेथ में ले जाके, अगर ग्राइंडिंग करके भी नहीं मिल रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा पिस्टन रिंग। अगर गैप हो जाए ज़्यादा तो उसका कारण भी ये कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो आपको नॉजल दिख रहा है, ये नॉजल हमने मेहनत से बनाया है, बहुत ही मेहनत करके। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटिव वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो ये वीडियो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मैकेनिकल टेक्निकल है, मैंने अपने हाथ से बनाया है और अमेजोन पे मैंने देखा है। इसके परचेस करने के लिए 5,000 से 6,000 रुपया इसका कीमत है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले मैकेनिक भाइयों को। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सही।